मुझे मछली खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं तो नहीं जाने वाला। बहुत मेहनत करने पर आखिर में कालू एक मछली पकड़ ही लेता है। अरे बाप रे, तुम कौन हो? चुड़ैल उसे छोड़ देती है। जैसे ही सुंदर उल्लू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वैसे ही एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। दोनों चुड़ैल बड़ी ही चाव से दो दो मछलियाँ बांट कर खाने लगती है। जंगल में अभी अभी जोरदार बारिश हो चुकी है। बारिश का पानी बढ़ने से नदी में पानी के साथ साथ मछलियाँ भी बढ़ गई है। अजी सुनो तो, बहुत दिन हो गए, मुझे मछली खाने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या आप पास वाले नदी से मुझे कुछ मछलियाँ लाकर दे सकते हो? मछलियाँ पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम होता है। मैं तो नहीं जाने वाला। मुझे पता था आप एक काम नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते, इसीलिए तो सब आपको आलसी कौवा कहते हैं। तुम्हें क्या पता, एक बार की बात है। एक जमाना था, मैं एक ही बार में बहुत सारी मछलियां पकड़ता था। अभी जाने भी दीजिए, साफ साफ बता दीजिए कि आप बूढ़े हो रहे हो। तुम मुझे बूढ़ा कह रही हो? रुको, मैं अभी जाकर तुम एक बार में ना खा सको इतनी मछलियां मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। ऐसा कहकर कालू नदी की तरफ जाने लगा। नदी में पानी और मछलियां दोनों बहुत ज्यादा थी। अब देखो मैं कैसे मछलियां पकड़ता हूँ। कालू मछलियां पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। बहुत मेहनत करने पर आखिर में कालू एक मछली पकड़ ही लेता है। चलो बाबा, खाली हाथ घर जाने से अच्छा है मैं एक मछली घर लेकर जाता हूँ, आखिर मेरे इज्जत का सवाल है। कालू जैसे ही मछली लेकर उड़ने लगा, वो आगे उड़ ही नहीं पा रहा था। उसे पीछे से एक चुड़ैल ने पकड़ रखा था। अरे बाप रे, तुम कौन हो? मेरा नाम माया चुड़ैल है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे ये मछली चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ले लो। कालू चुड़ैल को मछली दे देता है। चुड़ैल उसे छोड़ देती है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ है मछलियाँ? जल्दी से दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू सारी बातें गोरी को बता देता है। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। तुमसे बहस करने से अच्छा है मैं बाहर चला जाता हूँ। कालू सब पंछियों को बुलाकर उनको उस चुड़ैल के बारे में बताता है। सब पंछी उसे झूठा समझ रहे थे। क्या मछलियाँ? अब इस बार मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर हूँ। सुंदर उल्लू जैसे ही नदी के पास जाता है, उसे पास वाले एक पेड़ पर एक के बजाय दो दो चुड़ैल दिख जाती है। अरे बाप रे, लगता है इन्होंने मुझे देख लिया। जैसे ही सुंदर उल्लू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वैसे ही एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। सुंदर उल्लू मन ही मन कहता है। मैं इन्हें मछलियों का लालच देता हूँ, जैसे इन्होंने कालू को मछलियों के बदले छोड़ा था,
वैसे ही मैं अपनी जान छुड़ा लूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए नदी से ताजी ताजी मछलियां ला कर दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, जाओ हमारे लिए मछलियां लेकर आओ। उल्लू पानी से चार मछलियां पकड़कर उन्हें दे देता है। दोनों चुड़ैल बड़ी ही चाव से दो दो मछलियां बांट कर खाने लगती है। उल्लू भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वो वापिस सबके पास आ जाता है। क्या हुआ सुंदर भैया, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे क्या बताऊं मैं आप सबको, वहाँ पर एक नहीं दो दो चुड़ैले हैं। नदी के पास वाले एक पेड़ पर घात लगाकर बैठी हुई है। अगर उन्हें मछलियाँ नहीं मिली तो वो हमको खा जाएंगी। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए? ये तो सच बात है कि उन चुड़ैलों को मछली खाना बहुत पसंद है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मछलियों के बदले कालू और सुंदर को नहीं छोड़ती। लगता है वो दोनों चुड़ैल पानी से डरती है। हाँ हाँ मीनू मौसी, आपने सही कहा, शायद यही वजह हो सकती है। वो मछलियाँ खाने के लिए खुद कभी पानी में नहीं उतरती। तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। कालू भैया चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। वो दोनों चुड़ैल बारिश में कहाँ गई? अगर वो पानी से डरती है तो वो जरूर कहीं पर छुप जाएंगी। कालू और लाडो नदी के पास आ जाते हैं, जिस पेड़ पर दोनों चुड़ैलों ने अपना डेरा बसा लिया था। कालू और लाडो पास वाले एक पेड़ पर बैठकर उन पर नजर रख रहे थे। दोनों चुड़ैल उसी पेड़ में दरवाजा बनाकर वहां पर रहने लगी थी। लाडो और कालू पास चले गए। अरे ओ चुड़ैल, बाहर आओ, हम तुम्हारे लिए मछलियां लाए हैं। कौन है? चले जाओ, बारिश रुक जाने के बाद आना। अरे हाँ लाडो, ये तो पानी से डरती है, मीनू मौसी सही कह रही थी। कालू और लाडो जल्दी से जंगल वापस आ गए। शाम हो चुकी थी और बारिश भी पड़ गई थी। सब उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए तुम दोनों? हाँ सुंदर। कालू सारी बातें सबको बता देता है। अच्छा तो ये बात है, वो दोनों कलमुही चुड़ैले पानी से डरती है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है, इसके लिए हमें हाथी दादा की मदद लेनी होगी। हाथी दादा? हाथी दादा इसमें हमारी क्या मदद करेंगे? तुम पहले चलो तो मैं तुम्हें रास्ते में सारी बातें बताती हूँ। सारे मिलकर हाथी दादा के पास आते हैं। मीनू मौसी हाथी दादा के कान में सब बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मीनू मौसी, मैं भी उन दोनों चुड़ैलों से बहुत परेशान हो गया था। वो मुझे पानी नहीं पीने दे रही थी, अब मैं उनको मजा चखाऊंगा। सब लोग जल्दी से उस पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू चुपके से बाहर से दरवाजा लगा देता है। हाथी एक ही झटके में उस पेड़ को उखाड़कर पानी में फेंक देता है। जैसे ही पेड़ पानी में गिर जाता है, चुड़ैल अंदर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे हमें कोई तो बाहर निकालो। पानी का बहाव बहुत तेज था, इस वजह से वो पेड़ देखते ही देखते बहुत दूर चला गया। जब उस पेड़ में पानी चला जाएगा वो दोनों नहीं बच पाएंगी। सब मीनू चिड़िया को बार बार शुक्रिया कह रहे थे। शुक्रिया मुझे नहीं, हाथी दादा को कहो। आज अगर वो यहाँ नहीं होते तो उन चुड़ैलों से हमें कोई नहीं बचाने आता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।